Good morning, nursery class. Today we are going to learn how to write letter A. Okay? In previous video, we have already learned how to write slanting line. ओके हमने प्रीवियस वीडियो में स्लैंटिंग लाइन बनाना सीखा एक लेफ्ट की तरफ से और एक राइट की तरफ से. ये है राइट स्लैंटिंग लाइन और ये है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन. ओके आज हम अकॉर्डिंग टू स्लैंटिंग लाइन इस स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से हम लेटर बनाना सीखेंगे. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से हमने लेटर बनाना सीखा, आज हम सिमिलर प्रोसेस में स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से हम आज लेटर बनाना सीखेंगे. ओके तो सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन की जो लेटर है वो है ए. ओके ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स, ए फॉर एंट, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एम्बुलेंस, इतना कुछ होता है ना. तो आज हम देखो मैम ने स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से और स्लीपिंग लाइन की हेल्प से मैम ने ए बनाया. देखो मैम जो ए बनाया है ना, ड्रॉ किया है ना, उसके अंदर देखो कुछ एरो दिया है, उस एरो के हिसाब से आपको इस ए को कलर करना है. ओके तो आपको पता है स्लैंटिंग लाइन आप लोगों ने कैसे बनाया था, कैसे लिखा था, अप टू डाउन. ओके ये देखो अप टू डाउन, थोड़ा सा स्लैंट करके मतलब तिरछा करके अपने ये स्लैंटिंग लाइन बनाया था. ओके तो अप टू डाउन अपने स्लैंटिंग लाइन बनाया था, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो. ओके तो आज हम देखो जो स्लैंटिंग लाइन मैम ने जो बनाया है उसकी जो लेटर है ए, पहले मैम कलर करेंगे. ओके देखो मैम ने एरो दिया है ना, तो एरो के अकॉर्डिंग आपको कलर करना है. एरो कहाँ तक गया है, अप टू डाउन मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आया है ये स्लैंटिंग लाइन. आप भी ऐसा करोगे स्लैंटिंग लाइन अप टू डाउन ऐसा करके आप इसको क्या करोगे, ड्रॉ करोगे. ओके देखो अप टू डाउन आप कर रहे हैं ना मैम, आप भी ऐसा से आप इसको स्लैंटिंग लाइन बनाओगे. और देखना ये भी आपको ध्यान में रखना है जे एक कलर बाहर नहीं जाए. ओके ये स्लैंटिंग लाइन देखो एरो के हिसाब से अप टू डाउन जा रहा है ना मैम की हाथ, देखो और बाहर भी नहीं जा रहा है, देख रहे हो आप, ये देखो स्लैंटिंग लाइन अप टू डाउन गया, कंप्लीट हुआ. ये देखो स्लैंटिंग लाइन बन गया. अभी आपको कौन सा लाइन बनाना है, स्लीपिंग लाइन. आपको स्लीपिंग लाइन बनाने के लिए कौन सी कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट. ये है लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट टू राइट आपको हैंड्स को करना है. देखो लेफ्ट टू राइट, तो कौन सी लेटर ये बना, ये लेटर ए. ओके तो स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की हेल्प से हमने आज कौन सा लेटर लिखा, लेटर ए. ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एक्स होता है. ए का जो फोनिक साउंड होता है ना, ए को हम क्या बोलेंगे, ए. ठीक है ए को कैसे बोलेंगे, ए. ए फॉर एप्पल, ए एक्स. क्या बोलोगे आप लोग, ए एप्पल, ए एक्स. ये है आपका फोनिक. आप जब लेटर हम बोलते हैं ना, ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, ए बी सी डी ई एफ जी एफ करके हम ये सारे लेटर्स बोलते हैं. जब हम फोनिक्स बोलेंगे, जब कोई लेटर ए से कोई वर्ड शुरू होता है तब तो उसकी फोनिक्स साउंड आ जाता है. जैसे ए, ए फॉर एप्पल हम नहीं बोलेंगे, एह एप्पल, एह एक्स, एह एरोप्लेन, एह एम्बुलेंस. तो ए का जो साउंड है इसको हम बोलते हैं फोनिक्स. तो क्या साउंड है, एह. ओके आपको मैम ने जैसा ये क्लास में कलर करके दिखाया है, आप भी अपने घर पे ये अच्छे से कलर करोगे, कलर बाहर नहीं जाना चाहिए. ओके देखो नीचे देखो मैम ने ए फॉर क्या क्या बनाया, देखो ए फॉर एप्पल बनाया और ए फॉर एक्स बनाया. तो एप्पल में कौन सा कलर आपको करना है बताओ, ए फॉर एप्पल कौन सी कलर होती है, रेड कलर होती है. ओके तो मैम यहाँ पे रेड कलर भर गए. एप्पल व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल, रेड. ओके द रेड कलर इज एन एप्पल.
एप्पल में कलर भर दे रेड कलर, आप भी रेड कलर भरोगे, ठीक है। अभी जो ये एक्स है ना, एक्स में कुछ भी कलर भर सकते हो। ये देखो इसमें मैम ने ब्राउन कर दिया, आप भी आपकी चॉइस के अनुसार आप इसमें भरोगे, ओके। फिर यहाँ पे दूसरा कलर मैम ने भर दिया, ये क्या हुआ एक्स, तो हो गया आपका ए फॉर एक्स, ए फॉर एप्पल, ओके। तो आज आपने क्या लेटर सीखा, लेटर ए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स। और इसमें भी बहुत सारा कुछ होता है, मैम ने अभी बोला एरोप्लेन हो सकता है, एम्बुलेंस है, एंट है, एस है, बहुत कुछ है। तो आपने आज कौन सी लाइन की हेल्प से आज ने लेटर ए सीखा, ना विद द हेल्प ऑफ स्लैंटिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन की हेल्प से हमने लेटर ए बनाना सीखा, ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट पेज में, देखो मैम ने कुछ डॉट्स लगाया, इस डॉट्स में आपको लेटर ए लिखना है। देखो मैम ने देखो ऊपर जो देखो इंग्लिश वाली जो नोटबुक्स है आपके, देखो यहाँ पे फोर लाइंस है, 1 2 3 4, जो फोर लाइंस ऊपर जो रेड लाइन है, देखो मैम ने ऊपर एक डॉट लगाया और नीचे दो डॉट्स ब्लू लाइन के ऊपर लगाया। तो आप इस ब्लू लाइन तक ही लिखोगे, नीचे रेड लाइन को टच नहीं करोगे। इस डॉट को आपको जोड़ना है, देखो अप टू डाउन स्लैंटिंग लाइन, नेक्स्ट स्लैंटिंग लाइन अप टू डाउन, एंड देन मेक अ स्लिपिंग लाइन एंड मेक लेटर्स ए। स्लैंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन, मेक्स लेटर ए। स्लैंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन, मेक्स अ लेटर ए। स्लैंटिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन, मेक्स अ लेटर ए। तो ये आज की आपकी होमवर्क रहेगा। मैम आपकी नोटबुक्स में सारे डॉट दिए हैं, आप इसको घर पे अच्छे से करना है और डॉट टू डॉट ही जॉइन करना, तब भी आपकी लेटर ए बनेगा, ओके। तो आज हमने कौन से लेटर सीखा, विद द हेल्प ऑफ स्लैंटिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन में लेटर ए बनाना सीखा, और फिर डॉट की सहायता से भी हमने ए बनाना सीखा, ओके। थैंक यू।